बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, आज का लेक्चर हम इंटीरियर पॉइंट के सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कितने पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, कुछ याद है? लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट और कौन सा लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट आप पढ़ने लगे। इससे पहले हम लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन कर चुके हैं। इंटीरियर पॉइंट, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि जिस सेट का पॉइंट आपने लेना है उसका अपना ही पॉइंट होगा, इंटीरियर ना, उसके अंदर कहीं पड़ा होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखें, लेट एक्स स्टार बी अ लॉजिकल स्पेस एंड ए बी आ सबसेट ऑफ एक्स अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए इज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर exists an open set U containing X such that U is a subset of A। क्या कह रहे हैं कि किसी सेट का कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब आप जब कोई कम से कम एक ओपन सेट मिल जाए जिसमें वो पॉइंट मौजूद हो और वो ओपन सेट जो है ए का क्या हो, सबसेट। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि कम से कम एक टा का मेंबर मिल जाए। जब हम ओपन सेट की बात करते हैं तो हम बेसिकली टा के मेंबर की बात करते हैं कि कम से कम एक टा का मेंबर मिल जाए जिसमें वो पॉइंट हो और वो खुद जो है ए का सबसेट हो। डेफिनेशन को समझने के लिए अगर आप मुझे कोई एग्जांपल दे दें कि कोई सेट ले लें हम एक्स और उसके ऊपर कोई टोपोलॉजी डिफाइन कर लें और फिर कोई इसके सबसेट्स दे के उनके इंटीरियर पॉइंट्स तलाश कर लें, तो आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट को समझने के लिए हमने एक सेट लिया है एक्स ए बी सी डी ई और उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है टा फाई बी ए डी ए बी डी ए सी डी ई एंड एक्स, और सेट ए ले लेते हैं। सेट ए क्या लिया हुआ है जी, ए बी सी, ए बी सी। तो हम देखते हैं कि इस सेट के कौन से इंटीरियर पॉइंट्स। अब पहली बात तो ये है कि इस सेट के अपने ही पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स बनने हैं, इससे बाहर से नहीं कोई बनना। तो बारी बारी हम चेक करते हैं, देखते हैं क्या ए इंटीरियर पॉइंट है। हमें एक ओपन सेट तलाश करना है जिसमें ए मौजूद है, वो हमें मिल रहा है ये वाला, लेकिन ये ओपन सेट ए का सबसेट नहीं है। हमें ऐसा ओपन सेट तलाश करना है जिसमें स्मॉल ए मौजूद हो और वो कैपिटल ए का सबसेट हो। देखे ना क्या कह रहा था, ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स, जिसको आपने इंटीरियर पॉइंट कहना है वो ओपन सेट उसको अपने अंदर रख रहा हो और खुद ए का सबसेट हो। अब हम ए को इंटीरियर पॉइंट कहना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो हमें कोई ओपन सेट तलाश करना है जिसमें ए मौजूद हो, और दूसरी शर्त क्या है कि वो कैपिटल ए का सबसेट हो। हमें ये तो नहीं मिला, ये भी नहीं है, ये तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ए स्मॉल ए फारग हो गया। आपको कोई एक ओपन सेट मिला ही नहीं है जिसमें ए मौजूद था और वो कैपिटल ए का सबसेट होगा। तो स्मॉल ए इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ए का दूसरा पॉइंट है बी। अब हमें कोई ओपन सेट एक तलाश करना है जिसमें बी मौजूद हो और वो कैपिटल ए का सबसेट हो, तो मिल गया। ये टा का मेंबर जो है सारे ओपन सेट्स होते हैं, ये एक ऐसा हमें सेट मिल गया है जिसमें बी मौजूद है और ये खुद सेट ए का क्या है, सबसेट।
तो आप ये कहेंगे बी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, उसकी वजह भी बता दें, बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट बी कंटेनिंग बी सच दैट दिस ओपन सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आपको एक ओपन सेट मिल गया जिसमें वी मौजूद है और वो सेट खुद बताते खुद ए का क्या है, सबसेट है, इसलिए बी इसका इंटीरियर पॉइंट है। नाउ व्हाट अबाउट सी? सी नहीं होगा, यही एक ओपन सेट है जिसमें सी मौजूद है और ये ए का सबसेट नहीं है। इसी तरह ये भी है लेकिन इसमें भी ये भी ए का सबसेट नहीं है, तो सी भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब एक सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा करके एक नया सेट बना दिया जाए तो उसका नाम है इंटीरियर ऑफ अ सेट। इससे पहले हमने क्लोजर ऑफ अ सेट भी पढ़ा हुआ है, इससे पहले हमने ड्राइव सेट भी पढ़ा हुआ है। ड्राइव सेट क्या था? सेट ऑफ ऑल डिमन पॉइंट्स। और इंटीरियर क्या है? इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख दें, इंटीरियर ऑफ अ सेट तो वो है सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी द इंटीरियर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इंटीरियर और इंटीरियर ऑफ ए, या इस तरह लिखते हैं ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स का सेट। तो पिछले केस में हमारे पास इन द एग्जाम प्रीवियस एग्जाम्पल जी बताएंगे ए इंटीरियर किसके बराबर होगा, उसमें सिर्फ बी होगा। तो सेट का इंटीरियर पॉइंट से क्या मुराद है? कोई भी एक ओपन सेट मिल जाए जिसमें पॉइंट हो और वो ओपन सेट सेट का सबसेट हो, और फिर ऐसे तमाम पॉइंट्स किसी सेट के तमाम इंटीरियर पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? इंटीरियर ऑफ दैट सेट। उसको इस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें ज़रा, तो नेक्स्ट एक छोटा सा रिजल्ट देख लेते हैं। ईच पॉइंट ऑफ अ सबसेट ए ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सबसेट लेते हैं और उसका कोई भी पॉइंट लें तो वो सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो प्रूफ की तरफ सिर्फ आपने आर्गुमेंट्स ही देने हैं इसके। लेट एक्स स्टार बी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब आप इसका कोई सबसेट लेते हैं, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। अब इसका कोई पॉइंट ले आप, लेट स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल ए, देन इसका सिंगलटन अगर मैं सबसेट लूं इज एन ओपन सेट सच दैट दिस ओपन सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, सो एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। कैसे पता चला? यहाँ एक चीज़ जो बात कह दी गई
चले टोपोलॉजिकल स्पेस ली, उसका को सबसेट लिया, उसका इंटीरियर पॉइंट्स की हमने बात करनी है, उसका को पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट का मैंने एक सेट बनाया, इसको मैंने ओपन कैसे कह दिया? ओपन क्यों है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती कौन सी है? जिसमें कैपिटल एफ का हर सबसेट होता है, पावर सेट होता है। तो ये कैपिटल एक्स का सबसेट ही है ना, जो पॉइंट अगर आपने ए का लिया, ए कैपिटल एक्स का सबसेट है, तो पॉइंट तो मेरे बेसिकली एक्स का ही है। इसका जब आपने सेट बनाया तो एक्स का सबसेट होगा, और एक्स के सारे सबसेट टा में पड़े हुए हैं, टा में पड़े होने का मतलब वो सारे ओपन है, तो फिर ये ओपन सेट है। अब ये ओपन सेट भी है, एक्स को अपने अंदर रखे हुए भी है, और ए का सबसेट भी है, तो फिर क्या होगा? स्मॉल एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट होगा, क्योंकि आपको एक ओपन सेट मिल गया। अब क्या होगा, कैपिटल ए का कोई और पॉइंट लें, फर्ज करें वाई लेते हैं, तो वाई को सिंगलटन सेट बना दें, वो ओपन सेट होगा, और कोई मिले ना मिले वो तो ओपन सेट मिल जाएगा जो ए का सबसेट होगा। तो इस तरह से आप कैपिटल ए के तमाम पॉइंट्स के लिए ये काम कर सकते हैं। जब आप कैपिटल ए के तमाम पॉइंट्स के लिए काम करेंगे तो कैपिटल ए के तमाम पॉइंट्स उसके क्या हो जाएंगे? इंटीरियर पॉइंट्स। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रह जाएगा कैपिटल ए का जो उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इससे एक और भी रिजल्ट निकलता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में किसी सेट का इंटीरियर जो है वो सेट के बराबर होगा। वी आल्सो कंक्लूड दैट इन दिस पर्टिकुलर केस ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, यानी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में किसी सेट का इंटीरियर हमेशा उस सेट के बराबर होगा। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।